मरी में बर्फ में फंसे लोगों की अमवात की अफसोसनाक वीडियोस सोशल मीडिया पर सामने आईं तो हर कोई अफसोस करने लगा, जबकि इन अफराद में गाड़ी में जाँ बहक होने वाली एक फैमिली इस्लामाबाद के पुलिस ऑफिसर की भी थी। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक एएसआई नवीद इकबाल थाना कोसार में तैनात थे और गुल्डना रोड पर गाड़ी में अपनी फैमिली समेत जाँ बहक हो गए, जबकि दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर जाँ बहक होने वाले एएसआई नवीद इकबाल का एक अफसोसनाक वॉइस मैसेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने कज़न को परेशानी की हालत में सूरतेहाल बता रहे होते हैं और ये कहते हैं कि सुबह से खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है और ना ही पीने के लिए, बड़ा मसला है और बच्चे भी परेशान हैं, अल्लाह करे यहाँ से निकल जाएं। जबकि दूसरी जानिब वज़ीरे दाखला शेख रशीद अहमद का कहना है कि मरी में एफ सी और रेंजर्स को भी इमदादी कार्रवाइयों के लिए तलब कर लिया गया है। इसके अलावा पाक फ़ौज के दस्ते भी तलब कर लिए गए हैं। उनका मजीद कहना था कि मरी जाने वाले तमाम रस्ते बंद कर दिए गए हैं और सिर्फ कम्बल अद्वियात और खाने पीने का सामान ले जाने वालों को ही वहाँ जाने की इजाज़त होगी और पैदल जाने वालों के लिए भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब कुमते पंजाब ने भी मरी को आफतजदा करार देते हुए एमरजेंसी नाफज कर दी है। मजीद नई वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।